का किया गया मुहूर्त। इस फिल्म में खूबसूरत अदाकारा निधि जहां नए हीरो विष्णु के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगी। इस फिल्म में बॉलीवुड के बड़े कलाकार प्रकाश राज विलन के रूप में नजर आएंगे। मुहूर्त के मौके पर खेसारी लाल अपनी शुभकामनाएं देने पहुंचे। तो पिंटू जी को लिए मैं कहूँगा कि अगर पोस्टर पे है तो प्लीज लाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रकाश जी इस इंडस्ट्री में आए, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत बिजी इंसान है और बहुत उनके पास वक्त नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा अगर हमारे भोजपुरी के लिए वो अगर दो दिन भी टाइम देते हैं तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और फुल स्वागत पूरी टीम और भोजपुरी इंडस्ट्री कर रही है उनकी, और हम तहे दिल से इंतज़ार करेंगे कि हमारे भोजपुरी में प्रकाश राज भी दिखें, और हमारे भोजपुरी के लिए जो भी वो करे वो हमारे लिए समझिए कि उपहार होगा। छोटे भाई हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, और बड़े भाई हैं, मगर इन दोनों के हम अधूरे हैं इंडस्ट्री में। हम इंडस्ट्री जब से हैं हमारा निस्वार्थ प्यार है दोनों भाइयों से, निस्वार्थ प्यार है, काम करे चाहे ना करे, लेकिन हम लोग का इतना प्यार है कि हम कहीं भी एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे। और फिल्म बन रही है हमारे दोनों भाई, मुझको बहुत खुशी है कि अपना कीमती समय, शूटिंग चल रही थी, आज जल्दी पैकअप करा के ये लोग यहाँ पे आए हैं, इसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ दोनों भाइयों को। अरे अपनापन में थैंक यू नहीं बोला जाता है, ये तो हमारा परिवार है, और भोजपुरी की जहाँ बात आएगी, शूटिंग तो हम डेली करते हैं, लेकिन भोजपुरी समाज जब एक होता है और जहाँ सब मिलते हैं एक अलग खुशी मिलती है। आप आओगे तब तक यहाँ रिबन कटेगा नहीं, फीता नहीं खुलेगा। एक डबल खुशी ये भी मिली है, इसलिए भी एक हम इत्तेफाकन हम लोग सब मीरा रोड के रहवासी हैं, यही रहते हैं, तो आज मीरा रोड में मुहूर्त एक बड़ा चार्म था ये। मीरा रोड में पहली बार कि मीरा रोड में मुहूर्त हो रहा है, हमें भी लग रहा है जब हम लोखंड वाला में हम लोग आज महसूस हो रहा है 100 मीटर के एरिया में हमारे दोनों भाई रहते हैं, हम लोग तड़ी पार घोषित कर दिए गए की मीरा रोड वाले रास्ते नहीं थे, तो दोनों भाई अब हम जाकर अंधेरी में बोल सकते हैं कि तुम मीरा रोड आओ, मीरा रोड। आप लोग को लगता है ना जो लोखंड वाला में, हमारे पास भी लोखंड वाला है। जब यहाँ पे रास्ते नहीं थे तो हम दोनों भाई रात में 12-12 बजे हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बातें करते थे, आज मीरा रोड इतना डेवलप कर गया है रहना अपने आप। और जुनून के साथ मैं चाहूंगा कि इस फिल्म को, और मैं पूरी मीडिया को स्वागत करता हूं कि जिस जुनून के साथ आप लोग मीरा रोड में आकर और अपने टाइम को दिया, उस जुनून के साथ इस फिल्म को मुहूर्त के साथ ही आप लोग इतना पुशअप दें, और बुशअप क्या बोलते हैं उसको, बूस्टअप दें, बूस्टअप एक्चुअली मेरा दुआ दें, अपना आशीर्वाद दें। हाँ ठीक है, दुआएं, हाँ इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है इसीलिए डिस्टरबेंस को इरिटेशन बोल दिया इन्होंने। कपिल शर्मा से भी अच्छी अंग्रेजी। अरे प्रभु ये तो बहुत, कपिल शर्मा से बहुत अच्छी अंग्रेजी है, अंग्रेजी तो हाँ, पैसा मिलेगा तो करेंगे ना। ये नया वायरल थोड़ी हुआ है, मोहब्बत हर बार वायरल हुई है, और वो हमारी मोहब्बत है, हमारी आस्था है वो। और जहाँ तक पवन सिंह का नाम है तो पवन सिंह दुनिया के लिए कलाकार हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं वो, और इस इंडस्ट्री में जितने लोग मेरे दिग्गज, मैं उनका फिल्म देख कर बड़ा हुआ हूँ, मैं दिनेश भैया की फिल्म देख कर बड़ा हुआ हूँ, मनोज भैया को देख कर बड़ा हुआ हूँ, रवि भैया को देख कर बड़ा हुआ हूँ, तो जो भी चीज़ें हैं तो देखिए विवादे क्या होती है उससे हम लोगों, आज भी हम वही भाई हैं, कल भी वही रहेंगे, परसों हिट है, क्योंकि मुझे मेरे करियर का सबसे बड़ा, और आज के डेट में मैंने 72 गाने होली के गाए, और मैंने एक दिन में 32 गाना गाया था, 1 बजे रात से लेकर 9 बजे दिन तक 32 गाने गाए थे मैंने होली का, और लोकगीत मिला के, तो एक रिकॉर्ड भी बनाया था मैंने किसी को बताया नहीं ये चीज़ें, लेकिन मैंने रिकॉर्ड एक बनाया कि एक दिन में 32 गाने मैंने गाया था, और 24 घंटे भी नहीं, 1 से 9, 9 घंटे में। मैं कैसे शुक्र यादा करूं बता नहीं सकता। ये फिल्म टीनेजर भोजपुरी में एक्शन लव स्टोरी मूवी है, और इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के रूप में आप लोग को देखने को मिलेगा जरूर, और इस बिना पैसा के नहीं, सॉरी हमारे पैसा के नहीं मिलेगा, अधेश भैया भी हैं, हम पहले बता देते हैं मीडिया, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सारा कुछ सब कुछ मिल जाएगा। रही बात प्रकाश राज जी का, तो एक अलग ही करेक्टर है उनका, और काफ़ी मैंने उनके साथ एक फिल्म किया था, मेरा बातचीत हुआ है, और वो आ रहे हैं इस फिल्म में, मतलब डेफिनेटली वो काम कर रहे हैं 100% भोजपुरी में। चलिए गॉड ब्लेस। भोजपुरी गांव में धोती पहनते हैं तो वो लोग धोती पहन रहे हैं, भोजपुर में उत्तर प्रदेश बिहार में आज भी जींस पहनने लगे हैं घर में, तो जींस पहनना ये फैशन से संस्कृति नहीं जाती। हम अमेरिका पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ का पैर छूना छोड़ देंगे, हमारे संस्कार में आपके सब बातों का जवाब है हमारी भोजपुरी, और हम चाहे जो भी फैशन कर लें
लेकिन हमारी मिट्टी की सुगंध जब तक हमें महसूस नहीं होती है उस सिनेमा को हम साइन ही नहीं करते हैं। हमारी मिट्टी की खुशबू उसमें होती है। संस्कृति कपड़े से नहीं होती है, संस्कार से होती है। संस्कार से और संस्कार हम सब में कूट कूट के भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्मों में वो एक एंटरटेनमेंट हमें ज्यादा देखने के लिए आइटम सॉन्ग ही मिलता है और इस तरीके से मिलता है तो आप संगीत अभी सुनिए। नहीं अभी आपको तीन फिल्म जनार्दन को नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, हर हर महादेव कहूंगा। हमारे डायरेक्टर चंदन जी, ये तीसरी फिल्म है जुनून जो बना रहे हैं और हमारी ढेर सारी शुभकामना है। ये फिल्म बहुत अच्छी बनाए, उमदा किस्म के बनाए, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं और ये देखा जाए तो छोटा माचिस बड़ा धमाका, कम उम्र में बहुत बड़ी फिल्में कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नया अवतार में चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यस, ये कैरेक्टर भी जो मैं प्ले करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, आपको सबको मज़ा आएगा। लेकिन हमेशा आपके साथ नए चेहरे रहते हैं। को निधि झा का प्रणाम, चंदन जी का प्रणाम और हमारे नए एक्टर जो लॉन्च हो रहे हैं विशु, उनका प्रणाम। सही कहा आपने कि आज मेरे नई फिल्म जुनून का मुहूर्त है, उसमें हमारे विलेन जो है प्रकाश राज जी है, बहुत ही एक बड़ा नाम है एंड इस चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि एक बहुत अच्छा टाइटल, बहुत अच्छा स्टोरी, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो इसमें काम करने वाले हैं एंड एक नया अच्छा चीज़, नया कॉन्सेप्ट, नया स्टोरी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जा रहा था घर के लिए अपने, कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो भैया का कॉल आया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। भैया बोले कि विशु जी बोल रहे हैं, हम कहें हाँ आप कौन, तो भैया बोले कि मैं डायरेक्टर चंदन सिंह मुंबई से और आपके लिए एक फ़िल्म है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे मतलब फिल्म के लिए मैं कभी सोचा भी नहीं था, तो मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने फ़ोन काट दिया कि कहीं क्रिया खा के राजा और जौन मन बदे दसा जा और शादी से पहले हम हूँ ले ले बानी सेज के मजा। तो मैं बोला कि सच बोला जहिया अरे कुआर रहलू अकागो रखले भतारे रहलू। पूरा कॉमेडी सॉन्ग था और मेरे दर्शक ने मतलब जितने भी मुझे चाहने वाले हैं बहुत प्यार देखिए बोला ना मैंने अनएक्सपेक्टेड ऐसा वॉइस था बट इतना प्यारा वॉइस है। और अभी मेरा हाल में अभी एक नया नया गाना आया है वो भी हर के लईकी ब्यूटीफुल हो देहाती गवार तू त लागेला फिजूल हो और पीछे पड़ल मारा हमारा तू कब से। तो मैं बोलता हूँ कि दिल में धस भी अपना जुनून उसमें जो है अपना शामिल करेंगे और पूरे जुनून के साथ इस फिल्म को बनाएंगे, पूरे जुनून के साथ फिल्म को शूट करेंगे और फिर ये हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरे जुनून के साथ जो है पब्लिसिटी करेंगे और फिर हम उम्मीद करेंगे दर्शकों से कि पूरे जुनून के साथ थिएटर में जाएंगे और इस फिल्म को देखेंगे, तो जिससे कि हम सबका जुनून मिलकर एक नया जुनून पैदा करेगा। हर हर महादेव। प्रणाम करता हूँ और जितने आए हुए मीडिया कर्मी हैं सबको प्रणाम करता हूँ तहे दिल से और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंदन बाबू इंटरटेनमेंट और माँ मंशा इंटरप्रेजर जो कि हमको यहाँ पर बुलाए और आज इस मुहूर्त में बहुत अच्छा लगा। जुनून एक नया कॉन्सेप्ट है जैसा कि इसके जो राइटर है अनिल विश्वकर्मा जी। ग्लोबल एडवर्टाइजर्स स्केलिंग न्यू हाइट्स इन आउटडोर मीडिया।